हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का मनोकामना पूरी करें और स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो। और नवरात्रि के जिस जिसने व्रत रखा है उसके माता रानी अच्छे से पूरा करें और उसको खूब सारी खुशहाली दे। तो मेरी यही दुआ है माता रानी से, आप सभी फले फूले और काफ़ी आगे तक जाए। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह मैंने नहा धो के जो है पूजा वगैरह हो चुकी थी मेरी मॉर्निंग में ही। तो 5 बजे उठ के मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ और लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था मॉर्निंग से। अभी 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की मेरी पूजा हो चुकी थी, अब दोपहर हो गई है और मैं दोबारा से नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। तो क्योंकि घर के सारे काम वगैरह करना होता है इसलिए मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। और घर में मैंने खंड जोत जला रखी और कलश वगैरह रखा है, इसलिए मुझे काम करने के बाद फिर से नहाती हूँ। कई बारी तो 3-3 बारी हो जाता है मेरा नहाना। तो शाम को भी नहाती हूँ तो 3 बारी हो जाता है नहाना। तो आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी क्या खंड जोत के बारे में। तो कई बार होता है ना खंड जोत की दीपक जो है ठीक करने में वो खंडित हो जाता है दीपक, या मतलब बुझ जाता है दीपक, ठंडा हो जाता है। तो आप लोगों को मैं आज शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ अपनी खंड जोत की बाती जो है ठीक कैसे करती हूँ। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आप लोगों को मंदिर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए माता रानी की जोत चल रही है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं ठीक करती हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग धीमी जलने लगी है और बाती थोड़ी सी वो हो चुकी है और उसमें का तेल भी थोड़ा कम हो चुका है। वैसे सुबह मैं इसमें तेल डाल देती हूँ और उसके बाद सीधा शाम को डालती हूँ और फिर मैं 12 बजे डाल के सो जाती हूँ और सुबह तक ये जलता रहता है और तेल भी इसमें रहता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक करते हैं और बस आज यही देखते हैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्या नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल पे जो भी पहली बार आए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक दीपक यहाँ पे भी जला लिया है, जलाऊंगी इसको। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बाती जो होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बाती काफ़ी लंबी होती है तो इसको मैं जला लूँगी। तो ये देखिए ये एक खंड जोत अब जल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो जला लिया मैंने वहाँ पे साइड में। और अब क्या करूँगी इसी को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी, बाती को बढ़ाने की कोशिश। सावधानी से करिएगा। तो ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये यूज किया हुआ नहीं है मतलब ये नया ही है, चाहे आप हाथों से कर लो या फिर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए इसको जला लेंगे हम, इसको अभी हम नहीं मतलब ठंडा करेंगे, जो हमने जलाया एक्स्ट्रा पहले हम इसमें तेल
ये देखिए तिल का तेल है, यही मैं खंड जोत में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे थोड़ी देर जलने देंगे, जब तक ये हमारा जो खंड जोत है अच्छे से जल ना जाए। और ये मैं इसलिए जलाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ये भी ठंडी हो जाती है, कई बार तेल में गिरने की वजह से कुछ भी होता है, हाथ जलने पे कई बार होता है, हाथों से ही हो जाता है। तो ये दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि मंदिर में एक दीपक जलती रहे, हमारी जोत जो अखंड जोत है वो खंडित ना मानी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अब हमारी जोत अच्छे से जल चुकी है, तो इसको फूंक मार के हम नहीं बुझाएंगे, इसको क्या करेंगे हम ऐसे इसमें डाल देंगे और ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को दिखा दिया है, अगर आप लोगों से भी कुछ खंड जोत में वो होता है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जो हमारी खंड जोत जल रही है वो मतलब ठंडी भी नहीं होगी और खंडित भी नहीं होगा ज्योति। तो ये देखिए 9 दिन की ज्योति मैं ऐसे ही मतलब ठीक कर लेती हूँ, बाती दिन में एक दो बार, एक बार करती हूँ और फिर सुबह मॉर्निंग में कर देती हूँ। तो ये देखिए अब ये जलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैं कैसे बाती को ठीक करती हूँ बिना ज्योति को बुझाए या बिना ठंडी हुए, तो ऐसे ही कर लेती हूँ और मेरी 9 दिन ज्योति ऐसे ही जलती रहती है रात दिन। तो ये बड़ा मतलब ये बड़ा रखना चाहिए जो दीपक होता है हमारा, इसको बड़ा रखें ताकि हम रात को तेल डाल के सोए तो ये पूरा पूरी रात जलता रहे। आपको रात भर उठ उठ के बार बार सुबह देखना ना पड़े कि तेल ख़त्म हो गया है कि घी ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों को बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। तो इसको जो दीपक है वो बड़ा रखे और बाती को भी काफ़ी लंबी बना के रखे। तो मैं काफ़ी लंबी, कम से कम आधे मीटर की होती है या 1 मीटर की होती है, तो ऐसे कर लेती हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया जो दीपक के बारे में, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी या गलत बताया होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है मैं उतनी बता देती हूँ, बताया है मैंने वीडियो में। और मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, जय माता की, और देखते हैं आगे। मैंने अभी पानी नहीं पिया है तो चल रही हूँ मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, और क्या खा के पानी पीऊँगी, ये रामदाना के लड्डू लाए हैं तो ये खा के पानी पीऊँगी। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों से पूछना था, ये है दड़ाऊ का आटा। तो ये देखिए ये दड़ाऊ का आटा है, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कल, कहते 9 दिन का व्रत है तो कुछ खा लेना इसका, ये व्रत में दुकान वाले ने बताया होगा तो वो लेकर आए हैं। मैं तो साबूदाना मंगवाया था तो ये लेकर आए हैं, तो मैंने अभी इसको यूज नहीं किया क्योंकि मैं मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो आप सब फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये सही है या नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ से ये आटा बनता है। तो आप लोग जो सिंघाड़े का आटा तो पता है, सिंघाड़ा खाया जाता है व्रत में, लेकिन बाकी इसमें कौन सी चीज़, 3 चीज़ें हैं इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, ऐसे कैसे रखा है। देखते हैं वापस करते, इसको वापस कर आएंगे दुकान पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले पानी पीती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स चाय बना लिया है मैंने, 1 ग्लास पानी, और क्या साथ में ये छोटे छोटे से 4 लड्डू चौलाई के हैं, ये मूंगफली। तो ये है दोपहर का, तब सुबह भी मैंने सिर्फ चाय पिया था थोड़ा सा, और दोपहर हो गई, ये 2 बजे गए हैं, मतलब 2 अभी बजे नहीं, बजने वाले, बच्चे आने वाले। और ये थोड़ी सी मूंगफली है तो मैं इसको खा लूँगी और पानी पी लूँगी चाय के साथ, मूँगफली और लड्डू के साथ पानी पी लूँगी, तो मेरा हो जाएगा दोपहर का। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आप सबको भी दे देते हैं क्योंकि आप सब बहनों ने भी, बहुत से बहनों ने व्रत रखा है 9 दिन का, तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए मिलके खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।